नमस्कार, क्राइम तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका शर्मा एंड यू आर वॉचिंग वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन। तो पहली बड़ी खबर सिंगापुर से आई है, जहां पर एक हफ्ते में 3 लोगों को फांसी दी गई। इसमें एक महिला भी शामिल थी जिसे फांसी दी गई। ये एक ड्रग का मामला था। जो आरोपी अब्दुल है, ट्रायल के दौरान उसने ये कहा कि उसे ये जानकारी नहीं थी कि उसके पास ड्रग है। जो सामान उसे दिया गया था, उसका कहना है कि उसके दोस्त ने ये सामान डिलीवर करने के लिए कहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसमें ड्रग है। जो 54 ग्राम ऑफ हीरोइन उसके पास से बरामद हुआ है, उससे 600 लोग नशा कर सकते थे। कोर्ट ने उसकी दलील को नागवार समझा और उसे फांसी की सज़ा सुनाई और उसे फांसी भी दी गई। इस सिलसिले में महिला को भी फांसी दी गई थी और 2 लोग और भी इसमें शामिल थे। अगली बड़ी खबर आई है नॉर्थ कोरिया से, जहां पर अमेरिकन सोल्जर ट्रैविस किंग नॉर्थ कोरिया की सीमा में दाखिल हुए थे। इसके बाद जो बड़ा अपडेट इसमें सामने आया है वो ये कि नॉर्थ कोरिया ने इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिकन सोल्जर उनकी कस्टडी में ही है। इससे पहले इस बात पर कई सारे डाउट थे कि आखिर ट्रैविस किंग वहाँ है या नहीं। तो किंग जॉन ने इस बात पर पुष्टि कर दी है कि उनकी हिरासत में ही अमेरिकन सोल्जर है, लेकिन इसके अलावा कोई बड़ी जानकारी सामने नहीं आ पाई है। अगली खबर रशिया से आई है, जहां पर एक वैगनर सोल्जर ने यूक्रेन की सीमा से लौटने के बाद 6 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। इस सोल्जर ने उनके घर पर आग लगाई, पूरा उनके घर को जला दिया गया, जिसमें 6 लोगों की हत्या की गई। लेकिन इसके अलावा इसने चाकू से भी उन पर बेरहमी से वार किया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। सोल्जर का नाम सोफोनव बताया जा रहा है, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। इसके अलावा इस पूरी वारदात में इस सोल्जर के दोस्त ने भी इसका साथ दिया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर मेक्सिको से आई है, जहां पर एक बस हाईवे से सीधा खाई में गिर जाती है। इस पूरी घटना में 18 लोगों की मौत हो जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें कई भारतीय नागरिक भी शामिल थे। ये बस 42 लोगों से भरी हुई थी। इस सिलसिले में बस के ड्राइवर को पकड़ा जा चुका है। दावा है कि वो काफ़ी तेज़ी से बस को मोड़ रहा था, जिस वजह से पूरी वारदात हुई। इसमें लोगों की पहचान की जा रही है, जिसके बाद लोगों को उनके घर पर सौंपा जाएगा। अगली बड़ी खबर है साउथ वेल्स से, जहां पर एक लड़का, एक आर्ट स्टूडेंट एक घर में दाखिल होता है और वहीं से ये पूरा केस शुरू हो जाता है, जहां पर वो एक 65 साल की बुजुर्ग महिला पर बेरहमी से हमला करता है। ये दोनों ही अनजान होते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये आर्ट स्टूडेंट ल्यूक, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो महिला के टुकड़े कर देता है और उसे थैली में भर देता है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर इसे पकड़ा कैसे, पुलिस ने इसको कैसे पकड़ा, वो मैं आपको बताती हूँ। जब पुलिस घर में दाखिल होती है, तो वहाँ पर बाथरूम में एक फ्रेश डाई, जिससे आम तौर पर अपने बालों को कलर किया जाता है, वो दिखाई देती है कि हाल ही में किसी ने अपने बालों को कलर किया है। फिर नंबर आता है सीसीटीवी फुटेज का, जिसमें जो मृतक महिला है, उसकी बेटी के कपड़े पहनकर कोई घर से बाहर निकलता है और उसने बालों में डाई भी लगाया हुआ है। लेकिन अब ये शख्स मिले तो मिले कहाँ। तभी पुलिस चारों तरफ पूरी अलर्ट हो जाती है, जिसके बाद एक पार्क में एक शख्स बैठा होता है, जिसके बालों में डाई लगी होती है और कपड़े उससे मैच होते हैं सीसीटीवी फुटेज से, और वो बैठकर स्वीट्स खा रहा होता है। तभी पुलिस इसको दबोच लेती है और इसे पकड़ लेती है। लेकिन इसके पीछे की मर्डर करने की मंशा सामने नहीं आई, ये क्योंकि दोनों लोग स्ट्रेंजर्स थे। बस इसमें जो बात निकल कर आई है वो ये कि शख्स को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया, इसे अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि दिमागी रूप से ठीक नहीं था। इसके परिवार वालों ने भी इस पर आश्चर्य जताया कि उनका बेटा आखिर ऐसे कैसे कर सकता है। लेकिन पूरा मुद्दा यही था कि दोनों अनजान शख्स मिलते हैं और ये एक बुजुर्ग महिला का मर्डर कर देता है, वो भी बिना किसी वजह के। अगली खबर यूनाइटेड स्टेट्स के ओरेगन से आती है, जहां पर एक महिला को बंदी बनाकर रखा जाता है और उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता है। ये बात का खुलासा तब होता है जब ये महिला उस गैरेज में जहां पर इसे रखा गया था, वहां से भागकर पुलिस के पास आती है। ये जो शख्स है, ये 29 साल का, इसका नाम जुबेरी बताया गया है। ये अपने गैरेज में इस महिला को रखा हुआ था इसने, और उसको सेक्सुअली असॉल्ट करता था। ये कहानी तब शुरू होती है जब ये शख्स घूमने सिएटल जाता है एक फेक पुलिस ऑफिसर बनके। ये अपने आप को एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर बताता है और एक प्रोस्टिट्यूट से सर्विस लेने के लिए जाता है। तभी ये उस महिला को गिरफ्तार कर लेता है, जो एक प्रोस्टिट्यूट होती है, और इसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले आता है। इसको हथकड़ी में बांध कर लेके आता है। महिला का दावा है कि इसके पास एक गन
भी थी। तभी जब ये अपने मैप पर लगाता है तो काफ़ी दूर का रास्ता महिला को नजर आता है। तब उसे पता चल जाता है कि ये कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है बल्कि एक किडनैपर है। ये महिला को किडनैप करता है और अपने घर लेकर आता है। वहाँ पर ये उसे एक गैरेज में रख देता है और उसे सेक्सुअली असॉल्ट करता है। लेकिन महिला थोड़ी बहादुरी दिखाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है क्योंकि उसे पता था कि अगर ये वहाँ रही तो इसे जान से मार दिया जाएगा। फिर फिलहाल पुलिस ने इस शख्स के ऊपर सर्च वारंट जारी कर दिया है। इसे पकड़ ले जाने की पूरी तेज़ी से चल रही है लेकिन अभी तक ये शख्स गिरफ्तार नहीं हो पाया है। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।